हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बॉम के। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 HD के फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कैसे करेंगे, अगर पहले से ऑन है उसको ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कैसे करेंगे, और जो फाइल रिकॉर्ड होती है उसको आप लोग शेयर कैसे करेंगे, प्ले कैसे करेंगे, तो यानी वो फाइल कहाँ पर जाती है जो कॉल रिकॉर्डिंग वाली होती है, तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम सेटिंग को ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करके पहले दिखा देते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सर्च करते हैं तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर कहीं भी नहीं मिलता है। ट्रू कॉलर कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आता है, लेकिन इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था। सभी फ़ोनों में अलग अलग सिस्टम होता है, तो आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, अपने फ़ोन में फ़ोन डायलर ओपन करना है। फ़ोन डायलर ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, राइट साइड ऊपर की तरफ आप लोगों को 3 डॉट देखने को मिलेगा। 3 डॉट पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं राइट साइड ऊपर की तरफ आप लोगों को 3 डॉट देखने को मिल रहा है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे अगर आपके फोन में अनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, तो इस पर जब आप लोग क्लिक कर देंगे तब आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो होती है वो ऑन हो जाएगी। और फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, और डिसेबल पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, यानी अनेबल से ऑन होता है और डिसेबल से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ होती है। अभी ये थी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। और जब आप अपने फ़ोन में किसी से कॉल करके बात कर लेते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती कहाँ, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर ओपन करना है। आपको इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है। इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइल आती है जो कि कॉल रिकॉर्डिंग वाली होती है। यहाँ पे उसका नाम आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, फ़ोन रिकॉर्ड है हमारे फाइल में जो है, उस फाइल का नाम है फ़ोन रिकॉर्ड। उसी के अंदर सारी रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।